नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि आप सभी कोरोना वायरस जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम जनवरी के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उनके लिए मैसेज ये है कि अभी तक हम पार्ट 5 डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर 6 आपके पास ये है, जो कि जनवरी मंथ का अंतिम पार्ट आपके पास देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आने वाले जो भी आपके पास अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जनवरी मंथ से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे ही जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस आप जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे प्राइज को अनाउंस किया जाता है, पुरस्कार को अनाउंस किया जाता है। तो मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मतलब हमारा क्या काम है, हर किसी पार्ट को बिल्कुल ब्रीफ से पढ़ना है और एक भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पार्ट नंबर 6 के ऊपर अभी मूव करते हैं, और उसका पहला प्रश्न आपके सामने है। बोला गया, हरियाणा। हरियाणा में किस शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? एक बस स्टैंड जिसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा, हरियाणा में है वो, तो उसका नाम आपके पास है अंबाला बस स्टैंड। देखो, सुषमा स्वराज की बात करी जाए, इनका देहांत पिछले ही वर्ष हुआ है, ये विदेश मंत्रालय इनके पास था। तो बोला जाता है अगर इनकी बचपन के समय की बात करें, तो इनका बचपन का समय लगभग अंबाला सिटी में देखने को मिला है ना। तो बोला जाता है अंबाला का जो बस स्टैंड है वो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा, है ना, उसका नाम रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बोला जाता है कि ये जो आपके पास हरियाणा की बात करी गई ना, हरियाणा हरियाणा के आपके पास मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। प्लस एक अगर मैं इनके राज्यपाल की बात करूं, सत्यदेव नारायण, क्या नाम है, सत्यदेव नारायण इनके गवर्नर या राज्यपाल का नाम है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी सबके लिए। अच्छा, अभी हमने देखा कि बस स्टैंड का नाम बदल के क्या रखा जाएगा, सुषमा स्वराज के नाम पे रखा जाएगा, और वो अंबाला बस स्टैंड है। अच्छा, एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी किसी चौक का नाम विक्रम बत्रा के नाम पे रखा जाएगा, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके नाम पे रखा जाएगा। उस चौक का नाम क्या था? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का आपका कोई डाउट है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, देखो कस्टम ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स है, एक तरह का कर है, और ये कर किसके ऊपर लगाया जाता है? बोलो, जब भी हम किसी देश से कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, गुड्स का मतलब समझ आता है ना, कोई भी वस्तु, जब भी हम किसी वस्तु का एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात करते हैं, तो उसके ऊपर एक कर लगाया जाता है, उसी कर को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी जो डे है, वो हम हर बरस बोला जाता है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एक हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा बोला गया 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने की सलाह दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे वोटिंग डे की बात करी थी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने जनवरी मंथ में एक इंपॉर्टेंट डे देखा, एनआरआई डे की बात करी, उसके बाद आपके पास एक स्पोर्ट्स डे की बात करी, प्लस तो ये जितने भी हिंदी डे की बात करी, ये सारे जो डेज हैं वो आपने मेरे को लिख के देने नीचे कि कब कब हमने सेलिब्रेट करे हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था? महात्मा गांधी की प्रतिमा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO में स्थापित की जाएगी, तो IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोला गया, देखो महात्मा गांधी की प्रतिमा मतलब उनका एक स्टेच्यू कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री संगठन, है ना, तो समुद्री संगठन ये जो आपके पास है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर जाए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपके पास कहाँ पे है? लंदन में। कहाँ पे था? लंदन में। तो बोल जाता है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बोला गया जो हमारा पानी है, पानी के बीच में जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए इंटरनेशनल
मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है इसके चेकिंग के लिए, जो भी उस पॉल्यूशंस को जो पानी में, ये समुद्रों में जो आपके पास पॉल्यूशंस है उसकी देखरेख के लिए आपके पास सामने कौन आता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे आपके पास हेडक्वार्टर था लंदन। लंदन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी कौन थे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हीं की प्रयासों से आज भारत 1947 के बाद आजादी की सांस ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, इस नाम का आपके पास पुरस्कार है, उससे 49 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस 49 बच्चों की लिस्ट में जो आपके पास बच्चे आए हैं ना, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 से 18 साल से कम, या 5 साल से 18 साल तक आपके पास जो बच्चे होते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? बोला जाता है समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति तथा बहादुरी के क्षेत्र में एक उत्कृष्टनीय योगदान देने वाले बच्चे को इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार जो ये पुरस्कार है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या है? थीम का मतलब होता है विषय, है ना, विषय। तो बोला गया अगर हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे हर वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? बोला जाता है कि इसका, इस बार का जो आपके पास थीम है वो आपके सामने है, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये सही हो चुका है। मेरे को जल्दी से आपसे ये पूछना है कि इसको बनाने का रीजन क्या है? इसको बनाने का रीजन बोल जाता है, आपने सुना ना, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक भारत का निर्वाचन आयोग है, उसका स्थापना वर्ष था 1950, 24 ये 25 जनवरी 1950 को बोला जाता है, 25 जनवरी 1950 को हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। उसी के बेसिस पे हर वर्ष बोला जाता है वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको मनाया कब से स्टार्ट किया गया, या इसको मनाया जाना कब से स्टार्ट किया गया? इसको 2011 से मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? अगर इसकी बात करी जाए तो बोला गया न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये जो दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बी और सी, दोनों बी और सी होना था। हाँ, न्यूजीलैंड और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट आपके पास देश हैं। इसके अकॉर्डिंग वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, एक इंडेक्स जिसको हम बोल सकते हैं करप्शन प्रिसिपिटेशंस इंडेक्स 2019, इसके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड और डेनमार्क सबसे कम करप्टेड कंट्रीज हैं। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, इसकी आपके पास कैपिटल वेलिंगटन है। अगर मैं डेनमार्क की बात करूं तो इसकी जो आपके पास कैपिटल है कोपन हैगन, COPENHAGEN। और इसी इंडेक्स में अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं तो उसका रैंक आया है 80, 80 रैंक आपके पास इंडिया का आया है किसमें? वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक या फिर करप्शन प्रेसिपिटेशंस इंडेक्स 2019 में इंडिया का रैंक 80 है। और नंबर वन रैंक पे आपके पास कौन से थे? न्यूजीलैंड, डेनमार्क। अच्छा, सबसे खराब जो दशा होगी वो किसकी होगी? सोमालिया। सोमालिया कहाँ की कंट्री है वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट, सेना के जानवरों के लिए, सेना के जानवरों इसको काट देना भी, इससे जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देखो, बोला गया कारगिल वॉर में जब आपके पास बहुत सारी कैजुअलिटीज होती है मानव की या मनुष्य की, तो बहुत सारी आपके पास वहां पे कैजुअलिटी है, बहुत सारे आपके पास शहीद हुए, उसी में आपके पास जो जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी जो आपके पास एनिमल्स थे, जैसे आपके पास डॉग्स की बात करेगी, हॉर्स की बात करेगी, उनकी भी यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है। तो उन पशुओं को याद रखने के लिए बोला गया एक आपके पास एनिमल मेमोरियल वॉर स्थापित किया जा रहा है, और वो कहाँ पे बनेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये इंपॉर्टेंट था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। नेक्स्ट, मेरे को आपसे पूछना है कारगिल वॉर के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, और कारगिल वॉर कब हुई थी, और कारगिल विजय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सारी चीजें हम जनरल क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। हाँ, नेक्स्ट, धतु वोकनाल किस खेल से जुड़े हैं, या दत्त वोकनाल किस खेल से जुड़े हैं? याद रखना ये रोइंग,
ROWING, नौकायान पढ़ लेना इसको, नौकायान तो समझते हो ना। एक नाव, नाव के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में एक दो दो वो चप्पू जैसे हैं, उस चप्पू से पानी को क्या कर रहा है, वो पीछे का कर रहा है और नाव आपकी आगे की तरफ भाग रही है, तो इसको इसको क्या बोल देता है, रोइंग है ना या रोअर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। हाल ही में कौन शहर खुले में शौच मुक्त शहरों की सूची में शामिल हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। श्रीनगर ओपन डिफिकेशन फ्री इसको बोला जाता है, याद रखो। इसी के अकॉर्डिंग एक आपके पास इंपॉर्टेंट सी एक लाइन है, उसको याद रख लेना। बोला जाता है स्वच्छ भारत अभियान का एक लक्ष्य था ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, क्लियर है। स्वच्छ भारत अभियान आपके पास 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया, और इसका आपके पास लक्ष्य क्या था, बोला गया कि पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करवाना है। और ये आपके पास एक तरह से ये साफ सफाई की जो विचारधारा थी वो गांधी जी की विचारधारा थी, तभी इसको गांधी जी के जन्मदिवस से स्टार्ट किया गया था। और गांधी जी की 150वीं जन्म तिथि पे बोला जाता है, या इसकी जन्म जयंती पे, 150वीं जयंती महात्मा गांधी पे बोल जाता है इस अभियान ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, क्लियर है। तो याद रखना 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, उस टाइम इस तरह से आपके पास जो अभियान था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बोला गया, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आशुगंज अखोरा सड़क को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो बिल्कुल आपके पास सही आंसर है वो बांग्लादेश। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ना है। क्या बोला गया, आशुगंज अखोरा सड़क को 4 लेन हाईवे अपग्रेड करने के लिए समझौता किया है, याद रखना बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास बोला गया, टेनिस खिलाड़ी जोआओ सौजा पर मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, वो किस देश के हैं, मतलब पूरी लाइफ उन्हें खेलने से बैन लगाया गया, या उनके पूरे लाइफ पे बैन लगा दिया गया कि वो कभी भी अब इतिहास या भविष्य में कभी भी वो टेनिस नहीं खेल पाएंगे। तो ये जुआओ सुजाओ एक तरह से एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो बोला कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, इनका अपराध आपके सामने लिखा है, और ये खिलाड़ी हैं ब्राजील के। ब्राजील देश को हम क्यों याद कर रहे हैं, याद रखना 26 जनवरी को यहाँ के एक मेंबर आए थे जिनको बोला जा रहा है वो चीफ गेस्ट के रूप में देखने को मिले थे इंडिया में, है ना। उनका नाम क्या है, वो कौन है, मेरे को लिख के दो। हाँ, तो इनका अपराध क्या था, मैच फिक्सिंग के लिए इनकी जो जितनी भी लाइफ है आगे के लिए इन्हें बैन कर दिया गया कि वो टेनिस नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया भारत के अंतरिक्ष मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए फ्लाइट सर्जनों को कौन सा देश प्रशिक्षित करेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझो। बोला गया अंतरिक्ष मानव युक्त, मतलब कि एक मिशन, इंडिया का मिशन क्या है, जिसमें यहाँ से जो ह्यूमंस ये जो मानव हैं वो ऊपर जाएंगे गगनयान, या मतलब ऊपर है ना आसमान में जाएंगे, अंतरिक्ष पे जाएंगे, और उसका मिशन का नाम है गगनयान। तो उनके साथ सर्जन भी जाएंगे, सर्जन मतलब डॉक्टर भी जाएंगे, पर उन डॉक्टरों को प्रशिक्षित है ना एक तरह से पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, पहले एक तरह से बिल्कुल तैयार कौन करेगा, तो याद रखना वो फ्रांस, वो आपके पास कंट्री कौन सी है, फ्रांस, फ्रांस की जो राजधानी है वो आपके पास है पेरिस, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 44वें संस्करण का थीम देश का कौन सा देश होगा, या का थीम देश कौन सा देश होगा, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। बोला गया अभी अभी 44वां संस्करण देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का, तो उसका जो थीम देश है वो कौन होगा, याद रखना रशिया, क्या नाम है, रूस या फिर रशिया, और रशिया की जो आपके पास राजधानी है मॉस्को, MOSCOW, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोला गया कर्नाटक ने किस बंदरगाह पर सागरमाला परियोजना के तहत विकासात्मक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है, एक आपके पास ना एक परियोजना स्टार्ट की गई है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जब ये परियोजना स्टार्ट करी गई उससे ना वहां के क्षेत्र को प्रॉब्लम या हानि पहुंच रही थी, है ना, वो खत्म हो रहा था, वो वाला एरिया उस परियोजना से खत्म हो रहा था, तो बोला क्या उसी के लिए उसमें आगे के लिए विकासात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए कि मतलब आप इससे आगे काम नहीं कर पाओगे, ये बोला गया किस बंदरगाह पे ऐसी बात हो रही है, तो बोला गया कलकत्ता
कारवार बंदरगाह, इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर था कारवार बंदरगाह। कारवार बंदरगाह की बात करेंगे, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं ना, ये वाला हिस्सा कर्नाटक है, इसके इधर पानी वाला हिस्सा है अरब, अरब के साथ आपके पास जो ये सीमा बनाता है ना तटीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं कारवार बीच। तो इससे जो आपके पास एक कौन सी आपके पास सागर माला परियोजना जो थी ना, इससे ये वाला तट जो था ना कारवार जो बीच था वो यहां से बोल जा रहा है कि उसको हानि पहुंच रही थी, इसी कारण कर्नाटक ने इसको मतलब इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 24 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हमने पूरे जितने भी आपके पास नए राज्य बने हैं ना, उसमें हमने एक ट्रिक देखी, आम गुनाही मेघ मंतर सी गर्मी, कौन कौन से राज्य नए बने, पहले 14 थे ना, उसके बाद आगे आगे बनते चले, नए कौन कौन से बने थे, उनकी तिथि क्या थी, वो सारी आपको नीचे लिख के देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों की फॉर्म की अध्यक्षता किसने की है या किसने ली है ना? तो बोला गया इसका जो बिल्कुल सही आंसर है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा आपके पास बोल जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है या भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य है ना, या मुखिया है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने ये अध्यक्षता ली है। नेक्स्ट, शेर सिंह कुकुल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास था साल्ट वाटर नॉवल, एक साल्ट वाटर नॉवल है, उसके लिए पोट्री को पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पहले तो हमें ये पता करना है पोट्री को पुरस्कार क्या है, उसके बाद देखते हैं बोला किसको यहाँ पे चुना है ना। तो पोट्री को पुरस्कार की बात करी जाए, बोल जाता है ये आपके पास साहित्यों के क्षेत्र लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो बोल जाता है इसमें आपके पास जो चुना है वो जेसिका एंड्रयूज, जेसिका एंड्रयूज को साल्ट वाटर नॉवल के लिए पुरस्कार, नोबल के लिए यहाँ पे इनको पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने खसरे के प्रकोप से निपटने में मालदीव की मदद की है? इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत। खसरा आपके पास एक रोग जिसको हम अंग्रेजी में MERSLES भी कहते हैं, मिसल्स भी कहते हैं, है ना, एक तरह से ये आपके पास स्किन से संबंधित डिजीजेस है जो कि आपके पास वायरल डिजीजेस के रूप में देखने को मिलती है। तो इसके मदद के लिए भारत ने अपना हाथ बढ़ाया। मालदीप की राजधानी आपको पता होनी चाहिए माले, MALE। और अगर मैं एशिया के सबसे छोटे देश की बात करूं वो भी आपके पास कौन सा है? मालदीव्स। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट, सागरमाथा संवाद का पहला संस्करण किस दक्षिणी एशियाई राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, मतलब किस देश में वो आयोजित किया जाएगा? सागरमाथा एक नाम है किसी डायलॉग का, एक संवाद मतलब एक कॉन्फ्रेंस होनी है, एक मीटिंग होनी है किसी के, है ना। तो बोला जाता है उस मीटिंग का नाम रख दिया गया है सागरमाथा संवाद। सागरमाथा आपको पता है कहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम सागरमाथा है, वो आपके पास नेपाल है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है उसका माउंट एवरेस्ट। तो बोल जाता है ये आपके पास कहाँ पे होगा, पहला संस्करण कहाँ पे होगा? नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम केपी शर्मा ओली, नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी। जो भी हमारे पड़ोसी देश है ना उनके बोला जाता है कि प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति का नाम पता होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। हाँ, तो बोला गया ये जो आपके पास डायलॉग होगा ना, ये जो संवाद होगा, इसका थीम क्या है, किस चीज के ऊपर ये बात करेंगे? एक तो जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात करेंगे, प्लस पर्वत के भविष्य जो माउंटेन्स है ना उसका जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, प्लस मानव के फ्यूचर के या ह्यूमन के फ्यूचर के ऊपर ये सारे बात करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? देखो बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है आपके पास भारत रत्न। नंबर टू पे आपके पास चलते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आपके पास तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। नंबर वन को बोल जाता है पद्म विभूषण, नंबर टू को बोल जाता है पद्म भूषण, नंबर थ्री को बोल जाता है पद्मश्री। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो लेक्चर्स बना हुआ है, जिस स्टूडेंट्स ने इस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है वो कमेंट सेक्शन या फिर जो आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें जाके देखना, वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 26 जनवरी को पद्म जो आपके पास पुरस्कार हैं उनकी घोषणा रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई, और लगभग आपके पास 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और 141 में से बोला जा रहा है आपके पास जो 7 हैं वो पद्म विभूषण पुरस्कार हैं,
और 16 जो है वो पद्म भूषण है, और 118 जो है आपके पास पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें आपके पास बोला गया 7 में से जो पद्म विभूषण है उनमें से बोल जाता है कि मरणोपरांत किस किस को दिया गया है। अगर इसमें बात करी जाए तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सुषमा स्वराज अभी हमने देखा ना वो कौन थे, विदेश मंत्री थे पहले, अब वो खत्म हो चुके हैं, वो है ना इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करी जाए ये भी आपके पास इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, इनको भी इस बार बोला जाता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सी अर्जुन जेटली जो कि आपके पास वित्तीय मंत्रालय के आपके पास मंत्री थे या फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये पूर्व या पहले आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन सबको आपके पास मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और आपके पास अरुण जेटली। नेक्स्ट आपके पास था भारत पर्व 2020 की थीम क्या है। एक आपके पास फेस्टिवल ही रख के चलो इसको, भारत पर्व, ये अभी अभी न्यू दिल्ली के लाल किला मैदान में देखने को मिला, और इसकी जो आपके पास डेट थी 26 जनवरी इक से लेके 31 जनवरी तक ये आपको देखने को मिला 2020 में। तो इस बार की जो थीम थी इस पर्व की वो आपके पास थी ए और बी, डी का ऑप्शन डी आपके पास इसका बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी की 150वां वर्ष समारोह था प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी आपके पास क्या थी, थीम थी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और ये भारत पर्व क्या है, भारत के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए, भारत के इतिहास को दिखाने के लिए, प्लस भारतीयों को एक तरह से दिखाने के लिए, देखो अपने देश है ना, देखो अपना देश, इस तरह की भावना के लिए आपके पास भारत पर्व को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आपके पास था 23, क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किस देश में अंडर द वर्ल्ड थीम के साथ किया गया। याद रखना इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जिसका आपके पास थीम क्या था, अंडर द वर्ल्ड, ये आपके पास जो देखने को मिला वो बांग्लादेश, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने था, एग्जीक्यूजिट कैडवेयर्स की पुस्तक किसने लिखी है जिसने डायमंड थॉम्स पुरस्कार 2020 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे डायमंड थॉम्स पुरस्कार 2020 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। इसमें आपके पास ये था मीना कंडा सामी, क्या बोला गया, मीना कंडा सामी, मीना कंडा सामी को डायमंड थॉमस पुरस्कार 2020 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, यह लिस्ट में उनको ऐड किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी थी, एग्जिटी और कैडवेयर्स है ना, एग्जिटिस और कैडवेयर्स, अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट कर देना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत रहती है। हाँ नेक्स्ट आपके पास था, हाल ही में भारत और रूस के बीच गंगा वोल्गा संवाद किस शहर में आयोजित किया जाएगा। एक गंगा वोल्गा, गंगा वोल्गा एक डायलॉग है, गंगा वोल्गा डायलॉग, गंगा वोल्गा डायलॉग, ये बहुत सारे देशों का आपके पास संवाद है और इसको बोला जाता है ये आपके पास होगा न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आपके पास था मोहम्मद हुशामुद्दीन किस खेल से जुड़े हुए हैं, याद रखना वो बॉक्सर हैं या फिर उनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कुश्ती से संबंध रखते हैं, बॉक्सर या फिर मुक्केबाजी, सॉरी मुक्केबाजी है ना, बॉक्सर या फिर मुक्केबाजी। नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया सेना के किस जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला जनवरी मंथ में जितने भी आपके पास करंट अफेयर अभी तक हमने डिस्कस करे हैं हर कोई इंपॉर्टेंट है, हर किसी को ढंग से पढ़ना है। इसमें देखो क्या बोला गया, जब 26 जनवरी की बात करिए, 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो गणतंत्र दिवस पे वीर जो आपके पास सम्मान है या जो आपके पास वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार को भी अनाउंस ये घोषित किया गया, तो इसमें आपके पास शौर्य चक्र जो दिया गया है, आपके पास मरणोपरांत जो दिया गया, याद रखना सूबेदार सोमवीर, नायब सूबेदार सोमवीर, ये इंपॉर्टेंट था, मरणोपरांत इनको मिला है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो ठीक है ना, पर आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, टोटल शौर्य चक्र आपके पास 6 प्रश्न को दिया गया, एक का नाम आपको पता है ना, 5 बच जाते हैं उनको लिख लो, ज्योति लामा नंबर 2 पे, ज्योति लामा नंबर 3 पे, विजेंद्र सिंह नंबर 4 पे, नरेंद्र सिंह नंबर 5 पे, नरेश कुमार नंबर 6 पे, करमदेव, इन सबको आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में शुरू की गई है। सुपर फैब लैब, SUPER फैब लैब, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो बोल जाता है इस तरह की जो आपके पास लैब है वो केरला में शुरू की गई है, केरला, कहाँ पे, केरला में इस तरह की आपके पास लैब शुरू की गई है। तो केरला के मुख्यमंत्री कौन है वो भी आपको बताना चाहिए। बोल जाता है पिनराई विजयन है ना, विजयन, तो
तो ये आपके पास वहां के मुख्यमंत्री या गवर्नर की बात करी जाए, अरिफ मोहम्मद खान वहां के गवर्नर है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य ने अपना 50वां राज्यत्व दिवस मनाया है? इसका मतलब होता है 50th स्टेटहुड डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाँ जी, तो देखो स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश 1900 क्या बोलता है, 25 जनवरी को मनाता है। कब ये मनाता है? 25 जनवरी को स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश मनाता है। बोल जाता है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का 18वां राज्य बना था। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसी के सेलिब्रेट करने के लिए हम हर वर्ष 25 जनवरी को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल प्रदेश का। ये सही हो चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, हम 25 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा था? वाटर डे, है ना। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, इसका थीम क्या है वो अभी हमने डिस्कस करी है ना। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से याद रखना, बोल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाएगा। ये सही हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, बोल जाता है हिमाचल प्रदेश की ना दो राजधानी है, एक आपके पास शिमला, एक आपके पास कौन सी? धर्मशाला, जो कि विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ना, ये कैपिटल के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तीन कैपिटल बनने जा रही है ना? आंध्र प्रदेश, वो कौन कौन सी कैपिटल्स है मैं बता देता हूँ। वो लग गया विशाखापट्टनम, अमरावती, बस कुरनौल, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में वैसे देख चुके थे। नेक्स्ट, भारत ने 2022 तक किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। बोला गया ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट था, ब्राजील। बोला गया सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग के लिए इस कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए भारत और ब्राजील ने, तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत सरकार ने किस राज्य में राज्य के बोडो क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के लिए एक ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपके सामने है वो ऑप्शन नंबर डी, असम। बोला गया ये जो बोडो जनजाति है या एक बोडो उग्रवादी समूह है, ये असम में है और ये अलग स्टेट की डिमांड करता है। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट है असम, ये इंपॉर्टेंट था। बोला गया असम के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक सींग वाला गैंडा जो आपके पास है काजीरंगी नेशनल पार्क में, वो आपके पास असम में स्थित है। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। तो ये सारी जानकारी आपको असम के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है? देखो विधान परिषद की बात करी जाती है, विधान परिषद हमने लास्ट के लेक्चर में भी देखा था, वो हमारे पास ओनली और ओनली 6 राज्यों में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसको भूल जाना था, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है ना, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कहा कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो याद रखना ये किस राज्य की आपके पास विधानसभा है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट बन रहा है। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी है कौन कौन सी, वो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है। नेक्स्ट, अपनी पुस्तक बिकमिंग के ऑडियो बुक संस्करण के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? ऑडियो बुक संस्करण, एक आपके पास बिकमिंग पुस्तक है, इसमें ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड की बात कर जाती है, एक संगीत से संबंधित आपके पास अवार्ड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मिशेल ओबामा, क्या नाम था? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा ने इस तरह का ग्रैमी अवार्ड में ऑडियो बुक संस्करण के लिए बिकमिंग पुस्तक के लिए अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था, एशियाई टेनिस महासंघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मतलब परमानेंट के लिए एशियाई टेनिस फेडरेशन के जो आपके पास हेड हैं वो आपके पास बने हैं अनिल खन्ना। ये इंपॉर्टेंट है, एशियाई टेनिस फेडरेशंस, अनिल खन्ना। नेक्स्ट, एसपीआरआई द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है? दूसरे सबसे बड़े की बात करी तो याद रखना वो चाइना। कौन सा है? चाइना। अब एसपीआरआई है क्या ये आपको याद रखना है, इसका आपके पास फुल फॉर्म है, याद लिख लो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा जो आपके पास हथियार उत्पादक देश है वो चाइना है। नंबर वन पे कभी आपके पास रशिया भी चल रहा था, कभी आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चल रहा था, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के
रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक का मतलब क्या हुआ? इंडियन बैंक की बात करी जा रही है। इंडियन बैंक की स्थापना 1946 में की गई थी और बोल जाते हैं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं अभी सुनील मेहता, नाम है सुनील मेहता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अर्जुन अवार्ड सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो पूर्व कप्तान थी, किस खेल की वो पूर्व कप्तान थी? तो याद रखना हॉकी, हॉकी खेल से वो आपके पास संबंध रखते थे, नाम था सुनीता चंद्रा। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली बार इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? इनोवेशन फेस्टिवल की बात करी जाए, ये आपके पास अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आपके पास बोला जा रहा है इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बस आपको डायरेक्ट इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया किस राज्य के निर्वाचन अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बोला गया किस राज्य के निर्वाचन अधिकारियों को या अधिकारी को, है ना, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ने उसको सम्मानित किया है? तो याद रखना पंजाब, पंजाब को बोला गया लोकसभा इलेक्शन 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान विशेष सुविधा की व्यवस्था करने के लिए चुनाव आयोग ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये जो पुरस्कार दिया है पंजाब को वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, और था कौन सा पुरस्कार? भारत चुनाव, भारत निर्वाचन आयोग। क्लियर है? सिलेक्ट किसने करे थे स्टेट? वो आपके पास इंडियन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही स्टार्ट किए गए थे पंजाब। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे, एडिक्शन डे की बात करी जा रही है, वर्ल्ड लेप्रेशी, LEPROSY, लेप्रेशी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, है ना, एरेडिक्शन डे के रूप में किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है 30 जनवरी, अभी बनाया गया है ना, पर बोला जाता है ये जो आपके पास है ना, बोला गया कि जनवरी के लास्ट संडे, जनवरी का जो लास्ट संडे होता है ना, उस दिन वर्ल्ड लेप्रेसी डे हर देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया किस राज्य की प्रसिद्ध प्रसिद्ध खोला या कैना कोना मिर्च को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? देखो एक आपके पास बोला गया यहाँ पे खोला और कैना कोना की बात करेगी, एक मिर्च है ना, चिली, चिली जिसको आप बोलते हो, एक लाल मिर्च का नाम खोला और कैना कोना है, इसे अभी अभी GI टैग दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक संकेत या फिर जियोग्राफिकली इंडिकेशंस। तो ये आपके पास गोवा की आपके पास किस्म है मिर्चियों की, उसको क्या बोला गया कि GI टैग दिया गया है। GI टैग विशेष करके उस वस्तु को दिया जाता है जो अपने आप में अलग पहचान बनाती है, मतलब इसकी तरह कोई और मिर्ची नहीं मिलने वाली है ना, किसी और स्टेट में इस तरह की मिर्ची नहीं मिलेगी, वो अपने ही एक, है ना, अपने आपको दर्शाती है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या, गोवा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। पहले कौन थे वो आपने लिखना है, जिनकी 2019 में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना संविधान, संविधान। बोला गया अगर 2019 की बात करेगी, 2019 में लगातार संविधान जो शब्द है हर किसी व्यक्ति की नजर में आया है, इसमें आपके पास कैसे, क्योंकि बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स हुई, जैसे हम नागरिकता संशोधन की बात कर सकते हैं, फिर वो कहाँ पे हुई? संविधान में की गई। प्लस आपके पास एक ट्रिपल तलाक की बात करी जाती है, वो कहाँ पे अमेंडमेंट हुई? संविधान में। तो मतलब ज्यादा करके संविधान जो शब्द है ना हर किसी व्यक्ति की नजर में आया है, और संविधान ने अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर, एक तरह से अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा है, ये लगाया है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस महान भारतीय नेता की पुण्य तिथि के प्रतीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर आपके पास बोला जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो मृत्यु है सन 1948, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी, और बोला जाता है तो इसी के लिए हम हर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी और एक आपके पास 23 मार्च। 23 मार्च को 3 पर्सन्स को, तीन, है ना, व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी, एक भगत सिंह, एक सुखदेव, एक राजगुरु। तो इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई थी उसके भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट था, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है कतर, है ना। नेक्स्ट आपके पास, ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किसको चिन्हित करने के 50 पैसे के सिक्के का अनावरण किया है? बोला गया यहाँ पे ब्रेक्सिट,
इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, बोला गया ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किसको चिन्हित करने के लिए 50 पैसे के सिक्के का अनावरण किया गया है? ब्रेक्सिट। देखो इस सिक्के, एक ऐसा सिक्का आपके पास जारी किया गया और उसके ऊपर क्या लिखा गया है, पीस प्रोस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस, मतलब पूरे विश्व को एक घर के रूप में देखा जा रहा है, उसी सिक्के पे ये चीज लिखी गई। तो ये इस तरह का सिक्का किसके किसने जारी किया है, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट बोला गया रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका बिल्कुल सही जो आपके पास आंसर है वो आपने लिख लेना है, संजना कपूर, ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास था, संजना, SANJANA, संजना कपूर, फ्रांसीसी सम्मान। बोला गया एक फ्रांसीसी सम्मान आपके पास, वो आपके पास किसको दिया गया है, संजना कपूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है, कोलकाता। कोलकाता में लगभग 520 मीटर की लंबाई वाला आपके पास अंडर वाटर मेट्रो प्लेटफॉर्म या एक तरह से लाइन बिछाई जा रही है और ये हुगली नदी के किनारे हैं। लगभग 1 मिनट से कम आपके पास मेट्रो को इससे गुजरने में समय लगेगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, कोलकाता। कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। वहां के आपके पास राज्यपाल कौन है, वो आपको जल्दी से लिख के देने हैं। नेक्स्ट आपके पास बोले गया किस देश के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इसमें जो आपके पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी था, बोला गया स्लोवेनिया। क्या नाम था, स्लोवेनिया। नेक्स्ट आपके पास था बोला गया किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड पर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, असम। क्या नाम था, असम। नेक्स्ट आपके पास था बोला गया रामसर कन्वेंशन ने भारत में 10 और आर्द्र भूमि स्थल, आर्द्र भूमि का मतलब होता है एक तरह से दलदल, आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए हैं। ये आर्द्र भूमि स्थल किस राज्य से है? ये उपयुक्त सभी, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से नए 10 आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए किसने, रामसर कन्वेंशन। एक तरह से ये आपके पास बोल जाता है रामसर, एक आपके पास समिट है ना, उसके द्वारा 10 नए आपके पास आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए गए हैं। अब टोटल 37 हो चुके हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया विदेशी लीग से खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? बोला गया कि विदेशी लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर है, बोला गया बाला देवी। बाला देवी जो आपके पास है वो पहले विदेशी लीग खेलने वाली भारतीय फुटबॉलर बनी है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था बजट निर्माण में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? कि मतलब जो आपके पास बजट बनता है उसमें जो सबसे सही बजट लेके आता है या सबसे सही जो पॉलिसीज बना के लाता है आपके पास स्टेट, वो आपके सामने है असम। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा है? ये जो आपके पास सूरजकुंडा जो आप अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये आपके पास हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपके पास थीम स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है। थीम स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति प्लस अपनी छवि को दर्शाएगी, प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर ऑफ एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में ही किया गया है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू है उसी के पास, नर्मदा नदी के पास ही बोला गया एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें 100 से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास था या रहने का एक पूरा प्रबंध किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 55 किस भारतीय जेवलिन थ्रोअर ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? जेवलिन थ्रोअर है ना, अगर मैं इनकी बात करूं तो नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया है। और 2016 में जो आपके पास ओलंपिक हुए थे वो आपके पास रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुए थे, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बोले गया क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय नौसेना ने किस राष्ट्रीय के लोगों को की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू किया था? ये ऑपरेशन बनीला याद रखना, मेडागास्कर। मेडागास्कर मेडागास्कर आपके पास बोला जा रहा है एक यूरोपियन सॉरी अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे लास्ट टाइम में जो फ्लडेड है ना, बहुत सारी बाढ़ जैसी जो आपके पास प्राकृतिक आपदा थी वो देखने को मिल रही थी। तो भारत की तरफ से नेवी द्वारा एक बनीला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मेडागास्कर के लिए। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भारत के किस देश से अफ्रीकन चीता लाने की अनुमति दी है?
देखो नामीबिया, बोला गया चीता भारत में एक विलुप्त प्रजातियों में से एक मानी जाने लगी थी, तो उसी चीज को संरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा था भारत से, भारत सरकार ने, कि हमें अफ्रीका की नामीबिया कंट्री से चीता लाना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर इजाजत दे दी है। नेक्स्ट आपके पास था, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में इस उद्घाटन समारोह में जो स्वामी नाम था, क्या नाम है उनका, जो आपके पतंजलि के, रामदेव बाबा, हाँ रामदेव बाबा इस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में देखने को मिले। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था, कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किस अर्थशास्त्री को साहित्य के मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। मानद का मतलब होता है ऑनरेबल, डॉक्टर की जो आपके पास उपाधि है उससे किसे सम्मानित किया गया है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं और इन्हें 2019 का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और हमने नोबेल प्राइज वाला भी आपके पास पूरा वीडियो पहले डिस्कस करा है। इनकी एक पत्नी है, उनको भी इस बार का इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है वो दिया गया 2019 वाला, है ना। और नोबेल प्राइज के बारे में आप हर कोई जानता है, नोबेल प्राइज हर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कौन कौन देता है, कौन नहीं देता है, वो सारी हमने पढ़ी है चीजें। दो देश देते हैं, एक था नॉर्वे, एक था स्वीडन, है ना। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखे, कमेंट सेक्शन को एक बार जाके चेक करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 था, बोला गया किस भारतीय ने पर्यावरणियों के लिए टायलर 2020 पुरस्कार जीता है? इनका नाम है पवन सुखदेव। क्या नाम है? पवन सुखदेव। तो आज आपके पास जो पार्ट नंबर 6 था वो पूरा कंप्लीट है, और जितने भी आपके पास जनवरी मंथ के करंट अफेयर थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे हैं। ये मैं मान सकता हूँ कि ये जो वीडियो की आपके पास लेंथ है वो बहुत बढ़ चुकी है, पर एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा ही लो, हमारी जो लिमिट्स है ना उनको बियॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमारी आदत थी पहले 20 क्वेश्चन देखने की, आस्ता आस्ता हमारी आदत अब बढ़नी चाहिए। जब तक आप अपनी लिमिट्स को बढ़ाओगे नहीं तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बिठा लो और एक अपने आप से मोटिवेशंस लेके आओ, तभी आप इन वीडियो लेक्चर्स को सही तरीके से रख सकते हो। मैं ये खुद आपको बोलता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ना कोई आसान बात भी नहीं होती है, पर अगर हम पढ़ेंगे भी नहीं ना, अगर हम इस टॉपिक को देखेंगे नहीं, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुल मिला के बात है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।